बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर यह है कि शुएब अख्तर ने नुमान नियाज को माफ़ कर दिया, और ये बात उन्होंने अपने एक वेलॉग में कही। और ये भी कहा कि मेरा नुमान नियाज के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं था और मैं इस झगड़े को उसी वक्त ख़त्म कर देना चाहता था। जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने ब्रेक से आने के बाद फौरी तौर पर ये कोशिश की कि मैं ये झगड़ा ख़त्म कर दूँ, लेकिन किसी वजह से ये झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ। और अब ये बहुत अच्छी बात है कि शुएब अख्तर साहब ने नुमान नियाज को माफ़ करके बड़े दिल का मुजाहरा किया। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर ये है कि नुमान नियाज साहब ने रऊफ क्लासा के प्रोग्राम में शुएब अख्तर से माफ़ी मांगी, और उन्होंने ये बात कही कि मैं एक बार नहीं हज़ार बार शुएब अख्तर से माफ़ी मांगता हूँ। और उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि मुझे ऑन एयर ये बात नहीं करनी चाहिए थी, जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसको पीछे बैठ के डिस्कस करके हल करना चाहिए था। तो नाज़रीन, ये एक अच्छी चीज़ हो गई है कि शुएब अख्तर और नुमान नियाज का ये जो झगड़ा था, जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल मीडिया पर और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बदनामी हुई कि हम अपने नेशनल हीरोज़ को नेशनल टीवी पर बुलाकर इस तरह से जलील करने की और उनकी तजलील करने की कोशिश करते हैं, जो इमेज हमारा गया उससे हमें नुकसान हुआ। लेकिन अब ये बेहतर हो गया कि इन दोनों का ये झगड़ा ख़त्म हो गया। इसी तरह की अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर किस्म की न्यू अपडेट्स आप तक पहुंच सकें।